लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से जावा के प्राइस जो है वो हर साल इंक्रीज ही हो रहे हैं, ऊपर ही हैं, नीचे माशाल्लाह। नहीं जा रहे हैं। उससे जो डिमांड करते हैं मैं इनसे पूरी नहीं कर पाता। मेरे पास बहुत सारे लोगों को मुझे मना करना पड़ता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जावा से मतलब किसी और बर्ड्स की तरफ नहीं गए, जी जबकि ये लोग लव बर्ड्स की तरफ बहुत शौक से जाते हैं कि भाई जी हम डेकिनो किरमिनो की तरफ चले जी आए, जी इधर जी जी अल्बाइनो की तरफ चले। तो ऐसा क्या है, जावा ने आपको झगड़ा हुआ था कि आप इससे आगे पीछे नहीं हुए? जी तो मैंने इसी को रखा, इसी पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी ब्रीड आती है, जो आप लवबर्ड फैमिली से हासिल करना चाहते हैं वो मुझे जावा से हासिल हो हाँ जाता है। मतलब तो आप इसलिए मैंने दूसरी तरफ कभी भी नहीं सोचा। सही। इसी तरह से बहुत कम वक्त में उस एक प्यार ने बहुत तेजी से मुझे ब्रीड देकर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ परचेज किए, कुछ वहां से ब्रीड आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 150-200 पेयर है। शरीफ भाई, एक ग्रे जावा के एक पेयर से स्टार्ट लिया था यहाँ से। ये देखें जावा है, इसमें ये फॉन जावा है, ये फॉन जावा की कॉलोनी है और अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, चिक्स आने शुरू हुए। शरीफ भाई 40 के करीब पेयर है मेरे फॉन 40 पे जावा के, 40 से 45 पेयर ये होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में ये एक इस रेड आई अल्बाइनो जावा की कॉलोनी है, इसमें भी ब्रीड आई हुई है, चिक्स आए हुए हैं जो अभी बाहर नहीं आए। ठीक है। इसमें भी तकरीबन 15-16 पेयर ये रेड आई अल्बाइनो जावा के हैं। अच्छा, अच्छा। इसके बराबर में आप आ जाते हैं तो ये ग्रे कॉलोनी है, ग्रे की, इसमें भी तकरीबन 40 से 45 पेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिन बाद मैं नईम भाई के पास आया, और बहुत पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि जावा बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और हर कोई जावा लगाना चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि नईम भाई के पास क्यों ना आऊँ। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम असलम तारिक भाई। जी नईम भाई, आप मुझे बताएं कि आप जावा वगैरह के बारे में बताएं आप मुझे। तारिक भाई, ये देखें जावा है, इसमें ये फोन जावा है, ये फोन जावा की कॉलोनी है और अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, चिक्स आने शुरू हुए हैं। देखें ये आप नजर, अगर आप दिखा सकें, ये जो नीचे बैठे हैं ये चिक्स आए भी बाहर, ये तकरीबन 1 महीने इनकी एज है, ये अभी बाहर आने शुरू हैं। तकरीबन इसमें तारिक भाई 40 के करीब पेयर है मेरे फोन 40 पे जावा के, 40 से 45 पेयर ये होंगे। अच्छा, ठीक है। इसके बराबर में ये एक रेड आई अल्बाइनो जावा की कॉलोनी है, इसमें भी ब्रीड आई हुई है, चिक्स आए हुए हैं जो अभी बाहर नहीं आए। ठीक है। इसमें भी तकरीबन 15-16 पेयर ये रेड आई अल्बाइनो जावा के हैं। अच्छा, अच्छा। इसके बराबर में आप आ जाते हैं तो ये ग्रे कॉलोनी है, ग्रे की, इसमें भी तकरीबन 40 से 45 पेयर हैं तारिक भाई है, और इनकी भी ब्रीड आई हुई है। इसमें देख रहे होंगे, शायद आपको नजर आ सके, कोई चिक्स अभी कुछ मटकियों के पीछे हैं, कुछ अंदर हैं, अच्छा, तो अभी आने जैसे ना शुरू हैं। मौसम भी गर्म है, और जी बहुत सारा ये हुआ है कि जैसे लोगों ने ना अपने हंडिया लगाना शुरू किए, जी तो आप ये बताएं कि जैसे अब सीजन आएगा तो आपके पास क्या कुछ मिल जाएगा? जी जब सीजन, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सीजन स्टार्ट हो गया है तारिक भाई। देखें ना, ये चिक्स आने शुरू हो गए, ब्रीड अभी इसमें भी एग है और किसी की हैचिंग होनी है, कुछ एगले होना शुरू हो गए हैं, और इवन ये कि चिक्स भी इसमें बाहर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। जिनकी एज तकरीबन 1 माह हो चुकी है, और ये जब 2 माह के होंगे या 2.5 मंथ के होंगे तब ये फिर सेल के लिए अवेलेबल होंगे। अभी अच्छा इनको मैं मजीद 1 माह हाँ रखूंगा अपने पास। अच्छा, अभी एक और चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब आजकल हर कोई जावा लगाना चाह रहा है, तो मैंने आपके पास ये देखा कि लोग जो है ना, लोग पसंद करते हैं वन बाय वन को, क्योंकि जी जी मैंने भी जिस तरह के बर्ड्स रखे हैं, मतलब बजरी से शुरू हुआ, बजरी, ओग्रोमो, एग्जीबिशन, लव बर्ड्स, हम वन बाय वन पे ही चलते रहे, जी जी तो मैंने देखा कि आपके पास कोई भी जोड़ा मतलब वन बाय वन में नहीं है, आपने कॉलोनी में रखा हुआ है। क्योंकि कॉलोनी में ना मतलब रखने का मुझे इस लिहाज से फायदा अच्छा लगता है कि भाई ये परिंदा कॉलोनी वाला हर चीज उठाता भी है, सॉफ्ट फूड हर जी चीज, तो कॉलोनी में रखना ये बेहतर है। देखें तारिक भाई, कॉलोनी में रखना भी बेहतर है और वन बाय वन केज में रखना भी बेहतर है। अच्छा। जिनके पास टाइम है, जो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, तो वो केज वन बाय वन में लगाना पसंद करते हैं। चूंकि सही हम है। जॉब करते हैं तो ये हमारा शौक भी है, तो हमने अपने फर्स्ट जो है वो जॉब है, वो देखना है, तो ठीक है। कॉलोनी में बहुत कम टाइम लगता है अच्छा। दाना पानी सॉफ्ट फूड में, कि आपने बस एक मरतबा एक पॉड में आपने दाना रख दिया और एक पॉड में आपने सॉफ्ट फूड रख दिया, तो ये बामुश्किल आप सारा ये मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं सुबह में। मैं अच्छा। जब सुबह ऑफिस जाने से पहले आता हूँ तो 15-20 मिनट में मैं ये दाना पानी कर कर अपने ऑफिस की तरफ चला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कॉलोनी को रखा है कि मेरे फर्स्ट जो है वो जॉब है,
उसके बाद फिर ये सेकंड शौक भी है और फिर ये एक अर्निंग का पार्ट टाइम जॉब भी हो गया, बिजनेस भी हो गया। अरे यहाँ पे मुझे बर्ड्स नजर आ रहे हैं आपके जी तारिक भाई, ये देखिए मेरा एक कॉलोनी है, फर्स्ट मैंने यहाँ से इब्तिदा की थी। अच्छा, ये हमारा ओवर। अच्छा चले, इसी में ना एक सवाल ये आ गया कि आपने कितने पियर से स्टार्ट लिया था और ये आपका फर्स्ट मतलब। जी जी तारिक भाई, इससे पहले मैंने कुछ दिन बजीज रखे थे इसी कॉलोनी में। अच्छा। तो वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे, वो उसमें उसका रेट भी बहुत कम रहता था, तो वो मैंने निकाल कर फिर ये हमारा ओवरहेड टैंक है, शायद आप दिखा सके, इसके नीचे एक ये जगह थी जो मैंने सामने ये जाली लगाई बस सिर्फ। अच्छा, मैंने यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे ठंडक सी भी फील जी, हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत ठंडा रहता है, ये गर्मी में भी बहुत ठंडा रहता है ये, इसलिए कि इसमें ये ओवरहेड टैंक है, इसमें पानी है हमारा, ठीक है, तो ये पानी की वजह से नीचे ये बहुत ठंडक का एहसास हमको रहता है, तो ये गर्मियों में बिल्कुल इजी फील करते हैं, कोई बर्ड इसमें नहीं हाँप रहा होता, ये बर्ड हाँप रहे होते हैं, ये बर्ड्स नहीं हाँपते। तो मैंने यहाँ फिर वो बजीज को निकाल कर तारिक भाई एक ग्रे जावा के एक पैर से स्टार्ट लिया था यहाँ से। अच्छा, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं उसी से वो एक मेरा जो पेयर था वो इतना अच्छा पेयर था कि वो 8-9 बच्चे निकालता था और वो बाहर भी आते थे पूरे पूरे, तो इसी तरह से बहुत कम वक्त में उस एक पेयर ने बहुत तेजी से मुझे ग्रेड देकर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ परचेज किए, कुछ वहां से ग्रेड आई, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 150-200 पेयर है। अच्छा नहीं भाई, एक सवाल और करूंगा, जैसे मैं खुद भी बर्ड्स रखे तो मैं मतलब मैं चेंज करता रहा जी, कभी बजरी रखा तो मैंने डव भी रखी, मैंने फिंच भी रखी जी, जी मैंने कॉकटेल भी रखी जी, ठीक है, उनकी भी मैंने ब्रीड ली, लेकिन मुझे मतलब मैं चेंज करता रहा, मुझे समझ नहीं आया, जो चीज मुझे अच्छी लगने लगी मैं वो रख के जी जी कंटिन्यू करता रहा। तो आप मतलब जावा पे ही रहे जी, आप जावा से मतलब किसी और बर्ड्स की तरफ नहीं गए, जबकि लोग लव बर्ड्स की तरफ बहुत शौक से जाते हैं कि भाई हम डेकिनो किरमिनो की तरफ चले आए, इधर अल्बाइनो की तरफ चले आए, तो ऐसा क्या है जावा ने आपको जगड़ा हुआ था कि आप इससे आगे पीछे नहीं हुए? जी तारिक भाई, मुझे बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा मुझे इंसिस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा लव बर्ड फैमिली की तरफ आए, आप वो कहते हैं कि हमें पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन असल में मुझे इतना ज्यादा शौक किसी दूसरे बर्ड, मुझे जावा शुरू से पसंद है, तो बस इसलिए मुझे ये पसंद थी, तो मैंने इसी को रखा, इसी पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी ग्रेड आती है, जो आप लव बर्ड फैमिली से हासिल करना चाहते हैं वो मुझे जावा से हासिल हो जाता है, मतलब आप, तो इसलिए मैंने दूसरी तरफ कभी भी नहीं सोचा। सही, क्योंकि जिस तरह आपने क्वांटिटी में लगाया हुआ है, जिससे आपके पास ब्रीड आ रही है माशाल्लाह, लाजमी सी बात है, जब हमें इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है ना, तो हम किसी और तरफ क्यों जाए? देखिए मुझे इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी डिमांड है कि लोग मुझसे जो डिमांड करते हैं मैं इनसे पूरी नहीं कर पाता, मेरे पास बहुत सारे लोगों को मुझे मना करना पड़ता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूसरी तरफ फिर किस तरह से चला जाऊं, मुझे इनसे फुर्सत मिलेगी, इनसे रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं इसलिए कन्वर्ट होने की कभी भी सोचता नहीं दूसरे बर्ड की। अच्छा नहीं मैं, अब जैसे मैंने आपको शुरू में भी ये कहा कि जावा जो हॉट टॉपिक है और हर कोई जावा लगाना चाह रहा है, अच्छा महंगाई की वजह से सब परेशान है, कुछ लोग चाहते हैं या थोड़ा सा एक कोई छोटा सा अपने बजट के हिसाब से एक सेटअप बना लें और काम शुरू कर दें, तो अगर कोई जावा रखे तो वो उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है? क्योंकि देखिए अब हर बर्ड्स के रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, बिल्कुल उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी तारिक भाई, देखिए ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुस्तकबिल का तो अल्लाह ही जानता है कल क्या होने वाला है जी जी, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से जावा के प्राइस जो है वो हर साल इंक्रीज ही हो रहे हैं, ऊपर ही हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आने वाला साल कैसा होगा या उससे आगे आने वाला साल कैसा होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जिस तरह से इसकी डिमांड चल रही है तो हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये साल 2 साल अभी इसी पोजीशन पर इसने रहना है, उसके बाद तो आप कोई न्यू फैंसियर अगर इस तरफ आना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो आए एक साल काम करे तो वो उस एक साल में अपनी रिकवरी कर सकता है, कर सकता है जो उसने इन्वेस्ट किया होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि तारिक भाई आपको पहले आपका शौक होना चाहिए, शौक के बाद आपका जरिया बनता है अर्निंग का, ठीक है, तो आपका वो शौक भी पूरा हो गया, आपने जो इन्वेस्ट की वो एक साल या 2 साल में रिकवर भी हो गया, अगर उसके बाद फिर वो नीचे प्राइस उसके आते हैं तो आप नुकसान में नहीं होंगे, नुकसान में नहीं, आप नुकसान में नहीं होंगे। तो हम देखें एक बात बताऊं, शौक जो होता है ना, अगर आपको शौक होता है ना, आप यकीन करें कि छुट्टी वाले दिन हम घंटों परिंदों में बैठे रहते हैं, हमें टाइम का एहसास ही नहीं होता, उसकी वजह शौक है। अगर आप बिजनेस के हिसाब से करोगे तो 1 घंटा काम करने के बाद आपको कोफ्त होने लगी कि यार मैं कहाँ फंस गया,
ठीक है। सेकंड ये कि जब हम बर्ड्स लगाते हैं हमारे पास ब्रीड आती है तो हमारे पास पैसे सीधे हो जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स हमें फ्री पड़ जाता है, उसके बाद हम ऐसा ऐसा ब्रीड लेते रहते हैं। अगर रेट कम भी होते हैं तो हम कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट हम पहले कमा चुके होते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उससे नुकसान नहीं होता। अगर कोई समझता है कि किसी बर्ड्स के एकदम रेट डाउन हो जाएंगे, हाँ फिंच के रेट एकदम डाउन हो गए थे और हो गए, बट जावा अभी चलने वाली चीज है, अगर कोई लगाना चाहे, और मैं समझता हूँ यार कि कॉलोनी में रख के कम वक्त में काम करने के लिए बेहतरीन चीज जावा है। जी जी बिल्कुल तारिक भाई, आपने बजा फरमाया, ऐसा ही है। अब जो ये सीजन पिछला जो ऑफ सीजन रहे 4 महीने जो ये ऑफ सीजन रहते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी कास्ट दाने की हालांकि काफी महंगा है, लेकिन जब आपके पास ब्रीड आ रही होती है और आप वो सेल करके आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट अपने पास रखते हैं, जमा करते हैं, तो वो दाना उसी में से निकल रहा होता है, आपके पास से कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, क्या अब मैं एक सवाल करूंगा कि आप क्या आपके पास रेडी टू ब्रीड या बीटा जोड़े भी आप सेल करते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो असल में परिंदों के काम में एक सबर करना है, लेकिन लोगों को सबर भी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे लोग बोलते हैं यार बस हमारे घर पे आए और ब्रीड शुरू कर दे। जी जी। या कुछ लोग बोलते हैं यार चलो अगर एक जोड़ा 2000 रुपए का है तो मैं 3000 रुपए का जोड़ा उठा लूं, 3.5 का उठा लूं, घर पे ब्रीड कर दे। उनकी नियत ये भी होती है कि यार बच्चे अगर 2 कलच भी दे दिए, पैसे सीधे अब कमाना शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादातर लोग ब्रीडिंग पेयर की डिमांड करते हैं। हालांकि मैंने भी पट्ठों से शुरू किया, मैंने ज्यादातर पट्ठे लिए, बहुत कम मैंने 2-4 पेयर लिए होंगे बमुश्किल ब्रीडर, और उसमें से भी जो ब्रीडर मैंने लिए तारिक भाई, मुझे उन्होंने लॉस ही हुआ, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने एक ब्रीड की उसके बाद वो रिटायर समझे, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि आप पट्ठों से स्टार्ट लें, पट्ठों से लें, थोड़ा सा सबर आजमा होता है उसको लेकर 1 साल तैयार करना, लेकिन वो आपको बहुत लॉन्ग लाइफ होता है। तो असल में मैं ब्रीडर इसलिए सेल नहीं कर पाता, मेरा तमाम देख रहे होंगे कि आप कॉलोनी सेटअप है ये, केज बाय केज में होता ये है कि आपका 1 पेयर लगाया आपने, आपको नीड है, आपको सेल करना है, आपने वाइंड अप करना है, आपने वो पेयर निकाला भेज दिया, इसमें मुमकिन नहीं है, इसमें पता नहीं चलता कॉलोनी में जाके किसका पेयर। अभी ये ब्रीड जैसे आई हुई है, इसमें तमाम में ब्रीड है। अच्छा, जैसे कॉलोनी में क्या आप मेल फीमेल मतलब इक्वल इक्वल लगा देते हैं या ये इजाफी है? नहीं, एक ये सवाल है, कॉलोनी में यही बेनिफिट है कि मुझे 5 साल हो गए, मुझे तारिक भाई आज तक नहीं पता कि फीमेल एक्स्ट्रा है मेल एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि मैंने मटकियां ये 15 इसमें लगी है, उसमें लगी है, उसमें कॉलोनी में हमेशा हंडिया ज्यादा लगा दी जाती है, एक्स्ट्रा लगा दी जाती है, और तमाम में ब्रीड आ जाती है, तो मैं मेल फीमेल का मुझे पता है ना कि कौन मेल है कौन फीमेल है कैसी, लेकिन मैं क्वांटिटी का मुझे नहीं मालूम कि कभी भी मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी इक्वल करने की। कॉलोनी में यही बेनिफिट है कि फीमेल कम हो तब भी एडजस्ट कर लेती है, ज्यादा हो तब भी कर लेती है, मेल ज्यादा हो तब भी, मेल कम हो तब भी, इसमें कोई मुझे परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता मेल फीमेल के हवाले से। अच्छा नईम भाई, आप अपना नाम नंबर और लोकेशन बताएं, अगर कोई आपसे जैसे सीजन में जावा लेना चाहे तो आप अपना बताएं मुझे। जी तारिक भाई, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरी लोकेशन ये लांडी 1 नंबर की है। जब आप यहाँ कोरंगी से आएंगे तो हाई स्कूल मेन स्टाफ हाई स्कूल लांडी नंबर 1 कोरंगी से आने वालों के लिए, और जो बलियर या कायदाबाद दाऊ चोरंगी से आएंगे तो फायर स्टेशन ये बिल्कुल नियरेस्ट है मेरे घर से, फायर स्टेशन और हाई स्कूल, तो ये मेरी लोकेशन है। और आपका नंबर? नंबर तारीख भाई मेरा 0333-22-080-37। बहुत शुक्रिया।